तो जश्न आजादी पर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का सम्मान हुआ है और सीएम आवास पर इन सभी को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कलाकारों को सम्मानित किया। इन कलाकारों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। कला भाषा या क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे देश की होती है, सीएम ने इस बात को कहा। कला हमारे संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो आज मुख्यमंत्री के साथ इन कलाकारों ने मुलाकात की है। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने कला और संस्कृति के जरिए जो अपनी प्रस्तुतियां हैं वो आज दी हैं, और इन सबसे मुलाकात करके मुख्यमंत्री के द्वारा ये महत्वपूर्ण बातें कही गई। स्वतंत्रता दिवस पर आप सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे हैं। कला किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब या क्षेत्र का नहीं होता है या भाषा का नहीं होता है, पूरे देश का होता है और हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व भी ये करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों ने अलग हर वर्ष देश के अलग अलग राज्यों के कलाकारों को हम अपने आयोजनों में यहाँ आमंत्रित करते हैं। कभी स्वतंत्रता दिवस के दिन, कभी गणतंत्र दिवस के दिन, कभी अपने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन कलाकार आते हैं। यहाँ के कलाकार भी अन्य राज्यों में जाते हैं। संस्कृति का आदान प्रदान सांस्कृतिक दलों के माध्यम से कैसे हो सकता है, यह एक छोटा सा प्रयास है। आप लोगों ने आज जो प्रस्तुति दी है बहुत अच्छा प्रस्तुति थी, और देखिए अगर हम सभी एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे के वहाँ की परंपरा, वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान देकर के आगे बढ़ेंगे तो वही एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगा और कला उसका एक माध्यम बन सकता है। ये भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कर पाएंगे। बहुत बार होता क्या है कि हम कला में जब कार्य करते हैं अक्सर उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि हम लोग आज के प्रवेश में आधुनिक वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग कर पाते हैं, पुरातन जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वे सब भूल से गए हैं, आउट ऑफ डेट से हो गए हैं। आप कलाकारों को चाहिए कि उन प्राचीन वाद्य यंत्रों को भी सुरक्षित रखें और उनको संरक्षित करें, हो सके तो अपने यहां उसका एक म्यूजियम बनाइए। वह कला का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे और ये प्राचीन काल से ही भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे अपने परंपरा और अपने बातों को व्यक्त करने का, काव्यात्मक रूप से गायन के माध्यम से उन्हें व्यक्त करने का एक माध्यम भी बनाया था। बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसी हैं जो केवल वाद्य यंत्रों के माध्यम से ही लोग बोल करके व्यक्त कर सकते हैं, हमें उसको भी सुरक्षित करने के सामने आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने उन प्राचीन वाद्य यंत्रों को आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं या उनको संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इस दिशा में थोड़ा प्रयास करेंगे अच्छे परिणाम उसके आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप सब यहाँ पर आए हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप लोगों ने यहाँ के स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम को देखा है। स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम हमारा यहाँ पर एक आयोजन के रूप में होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम इससे बृहद कार्यक्रम होता है। आप सब आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और इसीलिए मैंने आप सभी अतिथि कलाकारों को उत्तर प्रदेश के कलाकारों के साथ में यहाँ पर परिचयात्मक रूप से आमंत्रित किया है कि आप लोगों को ये ना लगे कि हम लोग गए थे किसी ने पूछा नहीं है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर खासतौर पर बुलाया है। यह एक औपचारिकता ना हो जाए बल्कि हम लोग पूरे देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दें और यही हमारा ध्येय भी होना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में कलाकारों को एक जगह एक मंच पर देखना ये अभिभूत करने वाला क्षण होता है।
आप सबका मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं।